इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव देखूंगा दोस्तों, आप कैसे एक मिनट के अंदर अपना खाते में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको बैंक में जाके लंबा लाइन पे खड़ा होना नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप खुद से अपने अकाउंट नंबर पे अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा दोस्तों एक्सिस बैंक का पैसा डिपॉजिट वाला काउंटर पे, वहां पे जाके एक मिनट के अंदर आप कैसे अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव देखूंगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइव में देख लेते दोस्तों आप कैसे एक मिनट के अंदर अपना पैसा अपना खाते में इंस्टेंट जमा कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एटीएम कार्ड को मशीन के अंदर डाल देना है दोस्तों, चिप साइड से इसके अंदर डाल देना है। उसको डालने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों आपको सामने बहुत सारा सर्विस देखने को मिलेगा। तो ऊपर में जो बैंकिंग सर्विस वाला ऑप्शन आएगा उसको उसका सामने वाला बटन को दबाना पड़ेगा। देखिए ऊपर में जो बैंकिंग सर्विस उसका सामने वाला बटन को दबाना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश वाला बटन को सिलेक्ट कर लीजिए, आप चाहे तो हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नीचे थर्ड वाला ऑप्शन पे डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन है उसका सामने वाला बटन को दबा दीजिए, डिपॉजिट वाला बटन। उसके बाद आप अकाउंट को चयन करिए, मेरा सेविंग है इसलिए नीचे वाला ऑप्शन को मैं दबा देता हूँ। अभी आपका एटीएम कार्ड का 4 डिजिट पिन नंबर भरना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं मेरा पिन नंबर भर लेता हूं दोस्तों। पिन नंबर भरने का दोस्तों आपका कंटिन्यूअस ऑप्शन के सामने वाला बटन को दबाना पड़ेगा। चलिए यह दबाने का दोस्तों अभी आपके सामने आपका डिटेल्स देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके सामने बॉक्स खोल जाएगा। देखिए दोस्तों अभी आपके सामने बॉक्स खोल जाएगा, इस बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको पैसे को डालना है। पैसे को डालने के बाद दोस्तों कंटिन्यूअस ऑप्शन पर क्लिक करना दोस्तों। कंटिन्यूअस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बॉक्स बंद हो जाएगा और आपका पैसा का काउंटिंग होगा। आप कितना रुपया का कितना नोट डाला, टोटल कितना रुपया डाला, सब कुछ आपके सामने देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अभी आप ऐड कैश पे क्लिक करके और भी कैश ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको इतना पैसा को डिपॉजिट करना है दोस्तों, इसके लिए आपको कंफर्म डिपॉजिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आपके सामने मैं कंफर्म डिपॉजिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूं दोस्तों और मेरा काम खत्म। अभी इंस्टेंट मेरे अकाउंट में मेरा पैसा डिपॉजिट हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट का दोस्तों। अभी आपके सामने दोस्तों डिस्प्ले आ जाएगा दोस्तों आपने कितना रुपया डिपॉजिट किया। देखिए मैंने यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप देखने को मिला दोस्तों। अभी आपके सामने दोस्तों आपने जैसा बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के बाद दोस्तों आपको रिसीप मिलता है दोस्तों, सेम प्रोसेस में इस एटीएम में पैसा डिपॉजिट करने के बाद दोस्तों संग आपका अकाउंट नंबर पर कितना पैसा डिपॉजिट हुआ दोस्तों और किस अकाउंट नंबर पर हुआ सब कुछ यहाँ पे उसका डिटेल के साथ दोस्तों एक स्लिप भी निकल के आ जाएगा दोस्तों। जहां पर से स्लिप निकलता है एटीएम का उस जगह से दोस्तों आपको स्लिप भी निकल के आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एटीएम कार्ड को निकाल देना है दोस्तों, मतलब इंस्टेंट आपका फंड अकाउंट में आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने अभी रिसीप्ट देखिए, रिसीप्ट का लाइट जला मतलब रिसीप्ट अभी निकल जाएगा दोस्तों और अभी आपका एटीएम कार्ड को निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों। अगर आपको लगता है इस वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।